करना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और इस वक्त खड़े हैं हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बटला हाउस चौक पर और मेरे पीछे आप लोगों का हुजूम देख पा रहे हैं। मैं इनसे एक एक करके सवाल पूछूंगी कि साल 2019 में क्या नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता पर काबिज होंगे, क्या मुस्लिम समुदाय उन्हें वोट करेगा, क्या अगली परीक्षा में पास कराएंगे मुस्लिम समुदाय, और क्या वाकई जो पीएम मोदी ने जो वादे किए थे मुसलमानों के लिए क्या उस पर खरे उतरे हैं, क्या उम्मीदें पूरी हुई हैं मुसलमानों को लेकर जो पीएम मोदी की तरफ से कवायदे शुरू की गई थी, क्या सारे मसले, क्या शिकायतें हैं उनकी, उस पर भी जानने की कोशिश करूंगी। मैं सबसे पहले बढ़ूंगी एक और शख्स के साथ, आप अपना नाम बताइए पहले। मोहम्मद जीशान। क्या लगता है पीएम मोदी अगले साल प्रधानमंत्री बनेंगे और क्या आपकी शिकायतें हैं, क्या पीएम मोदी ने अपने सारे वादे पूरे किए जो मुसलमानों से किए थे? मुसलमानों के लिए जितने भी वादे किए थे एक वादा आप गिना दीजिए, मुझे एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। क्या शिकायतें हैं आपकी? अभी दो चार दिन पहले की आप राजस्थान की उठा लीजिए, दूसरी चीज़ छोड़िए राजस्थान में जो गाय के नाम पर मुस्लिमों को मारा जा रहा है, इसका क्या कौन नतीजा देगा बताइए आप? क्या लगता है अगले साल आप पीएम मोदी को वोट करेंगे या नहीं करेंगे? वो तो वक्त बताएगा। मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्या लगता है आपको कि क्या अगले साल, जी आप बताइए कि क्या लगता है अगले साल पीएम मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे, क्या वाकई आप उनके साथ हैं और क्या शिकायतें हैं आपकी पीएम मोदी से? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर तो क्या बनेंगे वो तो बात की बात है, हम उनके साथ हैं या नहीं वो तो बात की बात है। पहले तो आप ये देखिए, कल भी एक अल्लाह मेरी तौबा 77 साल के बूढ़े आदमी को गौ हत्या के उसमें इतना मारा है कि उसकी दाढ़ी तलक काट दी गई, ये अच्छी बात है क्या? ये बीजेपी के राज में ही हो रहा है सब। अब ये तो वक्त बताएगा कि हम वोट किसको देंगे, ये इस वक्त की बात नहीं है, आने वाला टाइम बताएगा। ये क्या लगता है कि पीएम मोदी ने जो चार साल शासन कर लिया, पांचवा साल उनका चल रहा है, क्या लगता है कि उम्मीदों पर खरे उतरे हैं आपके? चोरों का सरदार है मोदी। आप राफेल जहाज के बारे में आप जाके देखिए कि क्या किया है उन्होंने, जो 500 करोड़ का जहाज था 1,550 करोड़ का खरीद रही है। ये डाकुओं की सरकार है, चोरों की सरपरस्ती कर रही है, सबको भागने का मौका दे रही है, बैंकों से पैसा उनको दिला रही है। अमित शाह 550 करोड़ रुपया 750 करोड़ रुपया जमा करता है 3 दिन के अंदर, हिंदुस्तान में वो मशीन ही नहीं गिनी बनी जो 3 दिन के अंदर 550 करोड़ रुपया गिन दे और 3 आदमी उसको गिन लेते हैं। पीएम मोदी आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं? मेरी क्या, एक आम आदमी रक्षे वाले की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे मेरे जी। आपका क्या कहना, आपको क्या लगता है कि क्या लगता है पीएम मोदी अगले साल प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या मुस्लिम समुदाय वोट करेगा? नहीं करेगा। मुश्किल 2019 में वोट देंगे पीएम मोदी को, हाँ या ना? मुश्किल है। आप बताइए 2019 में पीएम मोदी को वोट देंगे, क्या लगता है आप देंगे वोट? वो वक्त बताएगा, ऐसे नहीं बता सकते हैं। आपकी शिकायतें, जैसा हालात आजकल चल रहे हैं क्या आप दे सकती हैं? आपसे पूछिए, आप बताइए क्या आप देंगे? मैंने क्या कहा, आप दे सकती हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ। नामुमकिन जी। मैं साथ और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहूँगी क्या लगता है अगले साल जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लगता है कि पीएम मोदी का साथ देंगे आप, क्या पीएम मोदी आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, जो वादे किए थे मुसलमानों को लेकर क्या वो पूरे हुए हैं? मैम अगर आप बोल रही हैं मुसलमानों के ताल्लुक से, तो मुसलमानों के ताल्लुक से तो बात छोड़ ही दीजिए, आप बात करें आम जनता, आम पब्लिक, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से। पूरे हिंदुस्तान के लोग परेशान हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारी कोई बात पूरी नहीं, हमारे मोदी सरकार ने जो जो वादे किए एक भी वादे नहीं, आपका 15 लाख का जो वादा था वो एक जुमला बन गया तो कुछ ही दिनों बाद। तो ये सब बातें मुसलमानों को, तो मुसलमान तो छोड़ दीजिए मुसलमानों को, ये हिंदू भी, हमारे हिंदू भाई जो हैं वो भी बहुत खफा है मोदी सरकार से, वो भी नहीं देंगे उनको। जो हालिया एक प्रकरण सामने आया है राजस्थान के अलवर में गौहत्या को लेकर, क्या लगता है आपको जिस ऐसे प्रकरण सामने, उस पर आपकी क्या राय है? मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि ये कैसी सरकार है जो गुंडों को सपोर्ट करती है, जो गुंडों को सपोर्ट करती है और जो लोगों, ये आप ये ना देखिए कि एक मुसलमान को मारा, आपने ये देखिए उसने एक हिंदुस्तानी को मारा है
और हिंदुस्तानी को मारने की मारने वालों को आप यूं ही नहीं छोड़ सकते। 2019 में आप वोट देंगे पीएम मोदी को? आपने एक ऐसा सवाल कर दिया है जो हमारी आप मेरी बातों ही से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हम क्या वोट देंगे कि नहीं देंगे। हाँ या ना? अगर एक जुमले में पूछेंगे तो ऑफ कोर्स नॉट। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं जिनसे जानना चाहूंगी कि आखिर उनका क्या मानना है। 2019 में लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है आपको, क्या कहना है आपका? जी क्या कहना? पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, आपकी राय में क्या मुसलमान वोट करेंगे पीएम मोदी को? अभी ये तो टाइम ही वक्त बताएगा, आपको टाइम वक्त बताएगा। क्या आपकी कुछ शिकायतें हैं? जो वादे किए थे पीएम मोदी ने वो पूरे हुए हैं मुसलमानों को लेकर? नहीं, ये तो कोई वादे पूरे नहीं हुए। कौन सी चीज की दरकार है आपको पीएम मोदी से जो उन्होंने पूरे नहीं किए हैं? जी जवाब देंगे। क्या चाहते हैं पीएम मोदी से, क्या शिकायतें हैं आपकी? हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, हमें बड़ी परेशानी पड़ी, बड़ी दिक्कत पड़ी, हमारा कारोबार बंद है, हम परेशान है सब। किस वजह से बंद हो गया आपका? ये काम करते हैं, कोई पैसे नहीं देता, कहते हैं कि सरकार पैसे नहीं देती है, सब कारोबार बंद है हमारा। यहाँ पे आम लोगों ने अपनी दिक्कतें कही हैं, और साथ ही मैं अब यहाँ पे कुछ लोगों से सवाल पूछूंगी। राहुल गांधी को पीएम पद के तौर पर देखना चाहते हैं आप, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर खुद को साबित कर पाएंगे, क्या चाहते क्या है आप? जी राहुल गांधी को बहुत पब्लिक चाहती है, पूरा हिंदुस्तान चाहता है। राहुल गांधी को पीएम पद के तौर पर देखना चाहते हैं? जी। आपको क्या लगता है राहुल गांधी अगले साल प्रधानमंत्री बनने चाहिए? जी हमें तो लगता नहीं बन जाऊंगे। नो, आप वोट करेंगे राहुल गांधी को? हम सपोर्ट नहीं करते जी। आप सपोर्ट नहीं करते, आप किसको सपोर्ट करते? हमने जो मोदी अच्छा लगे। तो अब बताइए, जिस तरह से कि यहाँ पर पीएम मोदी के अगले साल प्रधानमंत्री बनेंगे, पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जी मोदी बनेगा, मोदी। आपको क्या करना, पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी कौन बनेगा? राहुल गांधी। राहुल जी चलिए, यहाँ पे कुछ और भी ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे, मैं सबसे एक एक करके सवाल पूछूंगी कि आखिर उनका क्या मानना है, क्या लगता है आपको? जी अच्छा लग रहा है जी, मगर हिंदुस्तान के लिए अच्छे नहीं रहे। तीन तलाक पे क्या कहेंगे? हैं तीन तलाक पे क्या कहेंगे? वो हम लोग अपना वो है, तीन तलाक हिंदुओं का मसला नहीं, हम लोग मुसलमानों का मसला है। आप पीएम मोदी ने अच्छा फैसला लिया क्या तीन तलाक? नहीं बिल्कुल नहीं। अगले साल पीएम मोदी को वोट करेंगे? अगले साल पीएम मोदी को वोट करेंगी? अगले साल पीएम मोदी को वोट करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगे जी। जी मैं नहीं आया जी, कौन है अगर? जी बताइए। वो जो गिरीश है एक बार भी यहाँ पे नहीं आए, बताओ ओखला में कभी आए नहीं है। संदीप दीक्षित थे, आते रहते थे यहाँ पे, वो आज तक यहाँ पे शक्ल नहीं देगी, कोई बता दे इतने आदमी यहाँ पे खड़े हैं, मैंने भी नहीं, कोई आया कभी? अगले साल जी बहुत शिकायत, पैसा नहीं लगाया। संदीप दीक्षित ने मेट्रो लाए यहाँ पे, सब काम यहाँ पे जितना भी। आपका नाम क्या है? तारिक है मेरा नाम। क्या लगता है अगले साल प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहेंगे, राहुल गांधी या पीएम मोदी? गांधी होगा, जब हमारे यहाँ काम ही नहीं हुआ किसी ने, बताओ एक कोई सड़क नहीं बना दे, कुछ नहीं किया, सांसद है वो यहाँ के। तो क्या क्या शिकायत है, क्या लगता है कि पीएम मोदी मुसलमानों की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए हैं? कुछ किया ही नहीं है तो क्या होगा? क्या उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हुई है? जो वादे किए थे कोई भी नहीं हुआ। कौन से वादे, एक वादे बताइए। 15 लाख है और दुनिया भर के वादे थे, कोई भी नहीं है। सबको लेकर किया था, मैं मुस्लिम समुदाय की बात कर रही हूँ। जो भी वादे मुसलमानों के लिए क्या किसी के लिए भी, विकास विकास का वादा था, विकास भी नहीं हुआ। 4 साल पीएम मोदी ने कुछ नहीं किया, क्या किया बताइए? जी 4 साल अभी भी घूम रहे हैं, बाहर ही घूम रहे हैं। मोदी के कार्यकाल से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं है, मोदी के कार्यकाल से खुश नहीं है। और मेरे साथ एक और शख्स है, मैं उनसे जानना चाहूंगी, आप बताइए क्या लगता है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं आप? राहुल गांधी, क्या बदतमीजी कर रहा हूँ, राहुल गांधी को ही देखना चाहते हैं जी, एक नौजवान लीडर है, उसको बिल्कुल चांस मिलना चाहिए। और रही बात यह कि ये साध्वी साहब कह रहे थे, कल भी उन्होंने बयान दिया है, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करते मोदी जी? वो कहते हैं जिसने शरीयत को मानना वो पाकिस्तान चले जाए, पाकिस्तान तो ये जाएंगे आडवाणी और ये नरेंद्र मोदी बिना बुलाए वहाँ पर केक खाने चले जाते हैं। पाकिस्तानी एजेंट तो ये क्या है आपकी जी? पाकिस्तानी एजेंट नहीं है, पाकिस्तान के बेड़ा घरों को साले का नहीं, शिकायत हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में मरेंगे, हिंदुस्तान हमारी सरजमीं। शिकायतें क्या है पीएम मोदी से? पीएम मोदी से शिकायतें क्या आपकी? पीएम मोदी से शिकायतें क्या? हमारे बाप दादा ने बनाए ये हिंदुस्तान। शिकायतें बताई, शिकायतें आज तक बता दे, 4 साल में एक दिन भी बीजेपी का कोई यहाँ पे आया? से खुश नहीं है विकास जी? विकास से खुश नहीं है आप? विकास से क्या विकास हुआ ही कुछ नहीं है यहाँ। विकास तो इस बात का हुआ है बेटा कि
मुसलमानों को कत्लेआम, जितने मुसलमान इस ट्राइब में मरे, औरतों की इज्जत जितनी इस टाइम में लूटी गई है, जितने रेपिस्तान जो कहा गया है, सही कहा गया है। मध्य प्रदेश उठा लो, महाराष्ट्र में किसान कितना खुदकुशी कर रहा है, पता है कुछ आपको? राजस्थान में देखो। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछूं, नोटबंदी को लेकर क्या कहें? नोटबंदी का फैसला अच्छा था? ये देखो, गरीब आदमी रक्षा भी नहीं चला पा रहा, ये रक्षे से भी मोहताज हो गया। नोटबंदी पे आप लोगों का क्या कहना है? सिर्फ कारोबारी से लोग कारोबार परेशान है, GST से कारोबार लेन पेशर परेशान है, सिर्फ बीजेपी वालों ने पैसा खसोटा है, सिर्फ बीजेपी वाले राजनीति, सिर्फ मंदिर मस्जिद, मेरी बात सुनिए, हिंदू मुस्लिम तीसरी चीज चौथी चीज कुछ नहीं जानते, सिर्फ यही चीज जानते हैं, इसी चीज से राजनीति चलती है उनकी। जितने वादे करें, एक वादा आप गिना दीजिए, मैं उसी को, वरना मैं कांग्रेस के गिना दूं, सपा के गिना दूं, BSP के गिना दूं, कोई मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक ही का सपोर्टर हूं, जिसका आपको होगी मैं उसके गिना। GST के खिलाफ में है? GST के, सिर्फ पैसा खसोटा है, तीसरी चीज कुछ नहीं करी खसोटी, आप बता दीजिए मुझे। इनकी बहुत सी मुश्किलें हैं जिनको लेकर इन्होंने पीएम मोदी को बहुत जमकर घेरा है, और ये है मुस्लिम समुदाय की राय जिनका ये कहना है कि पीएम मोदी ने 4 साल में कुछ नहीं किया, उनके जो वादे थे उन वादों पे खड़े नहीं उतर पाए, जो उम्मीदें थी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए, विकास का सिर्फ जुमला रह गया, विकास कहीं भी नजर नहीं आया है। प्रधानमंत्री के तौर पर ख्वाहिशमंद है राहुल गांधी को देखने के लिए कि अगले साल राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, पीएम मोदी को नहीं देखना चाहते हैं, ये है मुस्लिम समुदाय की राय। अब देखते हैं कि आगे इनकी जो वोट की ताकत है वो किस तरह से तब्दील हो पाती है। तो ये थी यहाँ के लोगों की राय, पटना हाउस चौक के लोगों की राय कि आखिर वो क्या चाहते हैं अगले साल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे खास प्रोग्राम लेकर, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।